हेलो दोस्तों, स्टडी किडा में आप लोगों का स्वागत है। फिजिक्स की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी एलपी के लिए, और बेसिक क्लासेस आपको पता है अच्छे से चल रही है। और ये क्लासेस सिर्फ एलपी के लिए नहीं, आपके एसएससी जैसे एग्जाम के लिए भी काफ़ी काम आने वाली है, इसलिए इनको ज़्यादा सीरियसली लेना है। तो आज की क्लास में हम अपना जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ का रखेंगे भाई, ठीक है ना। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये साइंटिस्ट क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी स्टडी करता है ये। तो ये वोल्टेज ड्रॉप देखता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में और कहता है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा ये उस करंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा जो उस डिवाइस से बहने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया हमारे पास ये, ठीक है। बल्ब का सिंबल ऐसे ही यूज किया जाता है। इस बल्ब को मैंने, मतलब बल्ब के दो टर्मिनल है ए और बी, इसको मैंने किसी सेल से कनेक्ट करा दिया। मान लीजिए ये है आपका सेल, ठीक है, प्लस प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, ये हो गई आपकी सेल, और सेल से करंट पॉजिटिव प्लेट से बहना स्टार्ट कर देगा। भाई ऐसे करंट जा रहा होगा आई, तो बल्ब के अंदर खुद का रेजिस्टेंस होगा। हमें पता है ऐसी कोई भी डिवाइसेस नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस के बारे में अभी डिटेल में देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए आप ये समझ लो रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। जैसे आप मान लो साइकिल लेकर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो और हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, तो उस हवा ने आपकी स्पीड कम कर दी, तो वो हवा वो एयर आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो सेम केस यहाँ पे है, जब करंट जा रहा होगा ना तो बल्ब के अंदर जो कंडक्टिव एलिमेंट्स हैं वो उस करंट को कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो उसमें रुकावट पैदा करेंगे, तो उसकी वजह से वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा इस पॉइंट ए और बी के बीच में। भाई बल्ब का ये पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो ओम्स लॉ यानी जियो साइमन कहता है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल रहेगा इस करंट के जो सर्किट में से यानी जो बल्ब में से फ्लो करने की कोशिश कर रहा था। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल है करंट फ्लो थ्रू दी डिवाइसेस और थ्रू दी सर्किट। अब आपको आगे बढ़ने से पहले दो वर्ड के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक वर्ड तो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक वर्ड बार बार यूज करेंगे हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो होता है कि अगर कोई एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू बढ़ेगी, और किसी एक ऑब्जेक्ट या मतलब किसी भी थिंग्स की वैल्यू घट रही है तो दूसरे की भी घटेगी। जैसे मानकर चलो मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 100 रुपये में 2 एप्पल आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितनी भी एप्पल रहेंगे ना सबका वेट यानी सबका साइज सेम रहेगा, तो आप दिमाग में ये मत रखना कि अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट हैं। तो 100 रुपये में 2 एप्पल आ रही हैं, डबल कर दो यानी 200 रुपये में कितनी एप्पल आ जाएंगी, 4 एप्पल आ जाएंगी, है ना। यानी अमाउंट बढ़ाने से सब्सटेंस की भी वैल्यू बढ़ गई। और अगर मैं घटा देता 100 रुपये का आधा कर देता यानी 50 रुपये, तो 50 रुपये में कितनी एप्पल आती, 1 एप्पल आती, तो रुपए घटाया तो सब्सटेंस भी घट गया। यानी बढ़ने से एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, एक के घटने से दूसरी भी घट रही है, ये कहलाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको हम बोलते हैं। इनवर्सली यानी एक के बढ़ने से दूसरा घटे या एक के घटने से दूसरा बढ़े। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूँ भाई मान लीजिए 10 आदमी है, वो किसी काम को 100 दिन में करते हैं, है ना। अगर आप आदमी की संख्या बढ़ा दो 20 दिन में कर दो तो दिन तो कम लगेंगे ना। अब भाई पहले 10 आदमी किसी काम को 100 दिन में कर रहे थे, तो अब 20 आदमी उससे कम करेंगे, 100 से कम मान लेता हूँ मैं, मान लो 80 दिन मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखो यहाँ पे आदमी की संख्या बढ़ी है तो दिनों की संख्या घट गई, ये क्या कहलाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल में कन्फ्यूजन पैदा नहीं होनी है आपको। तो हम बात कर रहे थे अपने ओम्स लॉ की। तो जॉर्ज साइमन्स ओम एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अक्रॉस में जो वोल्टेज का ड्रॉप रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा
उस करंट के जो डिवाइस से बह रहा था। और ये स्टेटमेंट दी थी हमारे ज्योर सर ने, तो उनके सर नेम पर इस लॉ को हमने नाम डाल दिया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अक्रॉस में वोल्टेज, अब ये याद रखना ये जो वी है ना ये पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल को आप पता है वोल्टेज भी बोल सकते हो। और ठीक है, ये क्या नहीं है, ये अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, अप्लाइड वोल्टेज नहीं है ये। तो याद रखना स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन में पेपर में ऐसे देगा विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, द पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस ए डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस। ठीक है, क्या गलत है, द अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ये गलत है। तो अप्लाइड पोटेंशियल नहीं है, वो वोल्टेज ड्रॉप है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो था बेसिकली जियो साइमन ओम ने जो हमें बताया एक स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम काफ़ी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज की स्टडी कर सकते हैं और उनके रेस्पेक्ट में ही हम काफ़ी डिस्कवरीज भी कर चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। ये जो है ना इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू से और उस कॉन्स्टेंट को हम डिनोट करेंगे आर से। ठीक है, तो V किसके बराबर हो गया, डायरेक्टली की जगह पे आ गया R इंटू में I। और अब ये R क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा रेजिस्टेंस, कहलाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या डिवाइस, ऑफ द डिवाइस या सर्किट कहलाएगा। ठीक है, तो V बराबर हो गया IR के या RI के। और रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट बह रहा होगा ना उसके रेस्पेक्ट में जो अपोजिशन ऑफर्ड होगा उसको आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए ये सड़क है और आप अपनी साइकिल पर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन इस अपोजिट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, हवा बह रही है, तो हवा आपकी स्पीड को कम कर देगी। तो यहाँ पे विंड किसका काम करेगा, आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी आपके लिए रुकावट पैदा करेगी। तो जो रुकावट पैदा करती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट के लिए यहाँ पे एक रुकावट पैदा हो रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस यानी करंट के लिए रुकावट कैसे पैदा होगी कंडक्टर में, तो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में से करंट इजली मूव करता है, करता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं। देखिए ये तो नोट कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो को पॉज करके वापस से नोट जरूर कर लीजिएगा इनको। तो देखो कैसे ऑफर्ड करता है रेजिस्टेंस सर्किट में, वो मैं आपको शो करा रहा हूँ। भाई मानकर चलो ये है आपका एक कंडक्टर। ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया। अब आपको पता है कोई भी सब्सटेंस है इस दुनिया में वो एटम से मिलकर बना हुआ है। इस कंडक्टर के जो एटम है ना, मतलब मैं एक कंडक्टर भी मान रहा हूँ, किसका, कॉपर का मान रहा हूँ मैं, कॉपर कंडक्टर मान लिया मैंने ये। तो मैंने माना कॉपर के जो एटम है वो यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, भाई ये कॉपर के एटम, हालांकि हर जगह मौजूद है लेकिन मैं कुछ कुछ जगह पर दिखा रहा हूँ। ये है हमारे कॉपर के एटम या कॉपर के आयन जिससे मिलकर ये पूरा कंडक्टर बना है। ठीक है, ये मैंने जगह जगह पर दिखा दी कुछ ऐसे। ठीक है भाई, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये है हमारे एटम ऑफ द कंडक्टर, एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मैं दिखाऊंगा ब्लू कलर वाले पेन से। उनको मैं दिखा रहा हूँ, मान लो ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कंडक्टर में मौजूद है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अगर आप बेसिक क्लासेस की ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो ना तो
तो इनके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपके दिमाग में सारा ये बर्डन बन के रहेगा कि हो क्या रहा है। आपको पहली क्लासेस देखने पर ही ये चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पर क्या स्टडी करना चाह रहे हैं हम। तो मैंने कहा ब्लू पेन से जो दिखा रहा हूँ मैं वो है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। अब मान लीजिए आपने कंडक्टर पे वोल्टेज कनेक्ट कर दी, सप्लाई वोल्टेज दे दी आपने भाई ऐसे, ये आपने सप्लाई वोल्टेज दे दी किसी सेल के थ्रू, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो पहले मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, लेकिन जैसे ही सेल कनेक्ट हुआ तो इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स नज़र आया, तो ये अपनी स्पीड यानी अपनी डायरेक्शन एकदम से चेंज नहीं करेगा, धीरे धीरे चेंज करेगा। तो जाने पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने के लिए इधर मुड़ा तो एटम से टकरा गया, किसके, कंडक्टर के। भाई कंडक्टर के तो एटम अपनी पोजिशन पर ही रहेंगे, वो तो इधर उधर जाने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज अपने घर के आंगन में एक बल्ब लगाया किसी वायर के थ्रू, और आप सुबह उठ के आ रहे हो, यार वो वायर तो मेरे पड़ोसी की चली गई, ऐसे नहीं होता है ना, वायर तो अपनी पोजीशन पे रहती है ना, यानी एटम अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे। तो कंडक्टर के एटम तो अपनी पोजीशन पर हैं, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहे हैं, किसकी वजह से, सेल या बैटरी की वजह से, क्योंकि उनको एक अट्रैक्टिव फोर्स नजर आ रहा है अब। तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एकदम से नहीं बदलेंगे, धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेंगे, तो जैसे वो बदलेंगे एटम से टकरा जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकरा जाएंगे। तो वो टकराया, वहां पर टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज कर ली, अब इससे टकराएगा, फिर उससे टकराएगा, टकराते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन, अब जाकर वो कहीं यहाँ आएगा और फिर स्मूथली सेल की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्मूथली किसकी तरफ भागना स्टार्ट करेगा, सेल की तरफ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये पाथ देखा, ये जिग जैग पाथ है इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करना, इस जिग जैग पाथ को अगर आप ऐसे दिखाओगे ना ये, तो यही तो सिंबल होता है हमारा किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कहाँ से आया, उसके जिग जैग पाथ की वजह से आया है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली सीधे नहीं भाग रहे थे, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको एक सीधा रास्ता दे दूँ या ऐसे इधर उधर घूमकर जाने के लिए बोलूँ, तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इधर उधर घूमकर जाने में, तो आपके लिए वो एक रुकावट का काम हो गई ना, उस हवा ने आपकी साइकिल स्पीड कम कर दी थी ना, वो रुकावट ही तो हो गई। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए रुकावट कौन है, कंडक्टर के एटम खुद है, वो आगे ही नहीं बढ़ने देना चाह रहे स्मूथली उसको। तो कोई भी कंडक्टर इस तरह से अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने की वजह से करंट के फ्लो में अपोजिशन पैदा हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ओम्स लॉ से हमें क्या नजर आया कि V बराबर में होता है RI या IR भी लिख सकते हो आप। V क्या है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज ड्रॉप है, क्या है ये, वोल्टेज ड्रॉप है किसी भी सर्किट के अक्रॉस या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस में। और R क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसका, उस सर्किट के द्वारा ऑफर्ड किया गया करंट के लिए। और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है जो सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब हम आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ का जो ये रेजिस्टेंस का नेचर आया है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करने पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा मटेरियल के रिगार्डिंग, कि कौन सा मेटल यूज करें, कौन से मेटल का कहाँ पर यूज किया जाता है, वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे हम। क्लासेस को थोड़ा छोटा रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और फिर स्मूथली सिलेबस आगे बढ़ सके, किसी को कोई क्लास मिस ना हो, तो इसलिए हम क्लासेस को भी थोड़ा स्मॉल स्मॉल इंटरवल में लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ प्रैक्टिकली कहीं पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन आपने पढ़ी है ना अभी ओम्स लॉ की, कि V बराबर RI या IR, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कोमा प्रेशर कोमा ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ये जितनी भी फिजिकल कंडीशन है ना, फिजिकल कंडीशंस हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए,
यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, कब, जब सारी फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट हो। सारी फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये फिजिकल कंडीशन में आती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एटमोसफेयर में चीज़ें चेंज होती रहती है, टेम्परेचर कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। भाई आपकी मम्मा आपको क्यों कहती है गर्मियों में कि बेटा कूलर बंद कर दो, सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, मोटर खराब हो जाएगी, जल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो मोटर है ना, मोटर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये आपको भी पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्नआउट हो जाएंगी चीज़ें, जल जाएंगी, है ना। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है और ना ही प्रेशर। भाई आज का मौसम कुछ और है, कल कुछ और है, आंधी तूफान आएगी, कल को बारिश भी आ सकती है, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट नहीं है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वातावरण में नमी। अभी गर्मी आने वाली है, जून जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा शुष्क हवाएं हो जाएंगी, नवंबर दिसंबर के अंदर पानी की नमी, यानी नमी जो होती है वाटर वाली एयर के अंदर, वो बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी भी कॉन्स्टेंट नहीं है, है ना। तो कोई भी फिजिकल कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती, तो ओम्स लॉ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब दिमाग में आता है फिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में हेल्प हो जाती है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाता है उन चीज़ों का, कोज, कारण किसी चीज़ का कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ को अब हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड, रेजिस्टेंस उन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस में चेंज आता है उनकी वजह से, और मटेरियल जो है उनका रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस के नेचर में कहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा, वो सब हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, स्टडी कीड़ा से जुड़े रहिए, और एक हमारा एक यूट्यूब चैनल है दूसरा, राम अवतार अकेडमी के नाम से, राम अवतार अकेडमी के नाम से है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरी वहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी। वहाँ पर CBSE 10th और 12th क्लासेस के लिए बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं काफ़ी अच्छे से, और IIT JEE नीट और NDA के लिए भी क्लासेस वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ताकि बिना किसी कोस्ट दिए कोचिंग सेंटर के अंदर वो फ्री में ही अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्टडी कीड़ा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।